हेनरी किसिंजर या कार्ल मार्क्स की कोटेशन है, वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो मैं करता हूँ, जरा सुनिएगा। हमारे लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को बंद कर दें, मतलब ऑफ कर दें, बाय द पीपल लोगों को खरीद लें, उसके बाद फॉर द पीपल लोगों से दूर रहें। कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोभा उठा लें जिसके अंदर आप को कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका, उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। मैं कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं सीएसएस कर रहा हूं, पीएमएस। मैंने अगर कोई करंट अफेयर्स पे कोई क्वेश्चन उठाना तो मैं उनके चैनल पर जाता हूं भाई, मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूं। हां जी, इंडियन आईएएस चैनल है, उनके कई और चैनल यूपीएससी के वो तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इंडिया जो है ना वो इस टाइम उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसा ही है हर चीज पे वहां पे ट्रेडिंग हो रही है, वहां की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। जो बंदा सर हमारा वकार जका क्यों रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया, वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा ना वो सारा इंडिया जा रहा है पैसा। अच्छा, वो कैसे? पता बात क्या है, लोगों के इंटरेस्ट की भी बात होती है। असल में हम भाई जान वो कौम है, हम वो लोग हैं जो हम ये मेरा दिल ये पुकारे पे आजा, इस पे हम जो वो सुने जा रहे हैं उसको मतलब क्या कह रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, हम सपोर्ट कर रहे हैं, पारी हो रही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं जनाब, ये फजूल सी बातें लाहौर दा पावा अख्तर लावा। मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50-60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से? सोच एजुकेशन के हवाले से? एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, एंटरटेनमेंट हर चीज से वो आगे निकल चुके हैं। जी तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें नासा की, जो कि दुनिया की नंबर वन स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं इंडियन ओरिजिन, और इससे पहले भी जो उनके चीफ टेक्नोलॉजिस्ट थे वो भी इंडियन ओरिजिन थे। क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बात कीजिए, खासतौर पर आईटी और अब टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, तो इंडियंस या इंडियन ओरिजिन दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी ओरिजिन हो, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ क्यों नहीं बन पा रहे। इस वाले से पाकिस्तान की पब्लिक, पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैन। आपका नाम? उमर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूं। और आप? मेरा छोटा सा कारोबार है जनरल स्टोर का। जबरदस्त बिजनेस करते हैं अपना, अच्छी बात है। मेरा टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए इंडिया की और पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्या वजह है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी देख ले, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पे हमें सीईओ इंडियन या फिर इंडियन ओरिजिन नजर आते हैं। रिसेंटली नासा के जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो भी इंडियन ओरिजिन बना है, और उससे पहले जो था वो भी इंडियन ओरिजिन था। वजह क्या है कि क्या वो तेजी से पहले उन्होंने आईटी में अपना एक नाम बनाया, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना? अच्छा, इस पे जो उनसे पाकिस्तान उनसे है ना, बिल्कुल भी अपनी जो एजुकेशन प्रमोट नहीं करता आगे, बिल्कुल भी नहीं करता यहाँ पर आगे। यहाँ पर जब जो स्प्लिट एजुकेशन सिस्टम है ना, एक तो वो बड़ा काम खराब है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी फीसें बहुत ज्यादा है कि जो गरीब बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है नहीं कि वो आगे बढ़ सकें। अगर इसी के साथ हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, आप देखें कि कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोभा उठा लें जिसके अंदर आप को कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका, उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो इंडियन गवर्नमेंट है ना वो उसको इतना प्रमोट करती है, वो बजाय इसके कि उनको डिफरेंट सोशल एप्स पर लगाने के बजाय उनको टेक्नोलॉजी, उनको एजुकेशन, और उनको सिखाती है कि आपने कैसे स्किल करके पैसे कमाने उसे। हमारा जो आजकल का स्टूडेंट है वो क्यों बेरोजगार फिर रहा है? क्योंकि वो डिग्रियां ले रहा है लेकिन उसको आगे प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा उसको। आपने बात की यूएई की कुछ टाइम पहले तक, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप कह सकते हैं कि मैं गलत हूं, कुछ टाइम पहले तक हमें ये कहा जाता था इंडिया इसलिए दुनिया में वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के वो नॉन मुस्लिम है, वो यहूदी उन्हें सपोर्ट करते हैं, ये वो। यूएई में अगर सबसे बड़ा जो आपने बोला है ग्रुप है वो इंडियन का, तो वो फिर इसका मतलब वो जो ये तो बाप में ऐसा तसल्ली नहीं, ऐसा तो तसल्ली देने वाली बात है अपने दिल को कि जी हाँ जी हम सही कह रहे हैं और वो गलत है। जो इंसान खुद कुछ कर सकता नहीं ना, वो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए इस तरह की बातें करता है। आप ऐसे कहा जाता था ऐसा नहीं पॉसिबल है।
कहा जाता था कि भाई वो नॉन मुस्लिम ऐसे लेकिन आप देखे ना वो जो दुबई है वो तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर इंडियंस अगर आगे काम कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे, अपने कल्चर को, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। क्या वजह, आपसे थोड़ा सा बात करते हैं, क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, या फिर कोई भी फील्ड हो जिसका लिंक कहीं ना कहीं एजुकेशन से, खासतौर पर मेडिकल की अगर बात करें, बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ इंडिया, हमें इंडियन नजर आ रहे हैं या इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं, और सीईओ को छोड़े आप तो प्राइम मिनिस्टर और हमें पता नहीं प्रेजिडेंट कौन कौन जो उनसे हैं वो दूसरी कंट्रीज के, वो इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। सर असल में बात भला क्या है, पाकिस्तान और इंडिया बराबर थे ठीक है एक दौर में, लेकिन आज बेशक हमारा वो दुश्मन मुल्क है जो भी है, ये भी हमें बताया जाता है, दुश्मन मुल्क है वो, हमें जो सिखाया जाता है हमारी गवर्नमेंट जो है, लेकिन सर मैं आज कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि जो इंडियंस हैं वो हमसे 50-60% आगे निकल चुके हुए हैं। किस हवाले से? सोच एजुकेशन, एजुकेशन के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हर एक्टिविटी के हवाले से, एंटरटेनमेंट हर चीज से वो आगे निकल चुके हुए हैं। वो आगे कैसे निकले हैं मेरे भाई? वो आगे इससे निकले कि वहाँ पर लोगों को ना कोई भी काम करते हैं ना, वहाँ पर लेग पुलिंग नहीं होती, वहाँ पर लेग पुलिंग नहीं होती। अगर आप रेडी भी लगा रहे हैं तब भी आप कितनी ही वैल्यू, अगर उसी रेडी से अपना कारोबार कर लेंगे ना या अपना रेस्टोरेंट बना लेंगे तब भी आप कितनी वैल्यू ही होगी, तो वहाँ पर इंसान को ना वर्थ जाती है आके, ना कि उसको नकारा और सपोर्ट किया जाता है। और वहाँ की गवर्नमेंट उसी है ना हमारे सामने, मैं बेसिकली रह के इंडियन के साथ यूएई में हाँ हमारे रूम में रहता था लड़का, तो यकीन माने ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड और वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा था सिर्फ घर बैठे बैठे। क्यों? वो कहता रही हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने मुझे सीधी बात की थी, उसने कहा मैं 18 साल का हूँ ठीक है, मैं जैसी आईडी कार्ड बना मैं यहाँ पर आ गया हूँ जॉब के लिए, जैसी आया वो यहाँ पर उसको वहाँ पे जॉब मिल गई है, ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली था, वो फ्रीलांसिंग करता था पहले इंडिया के अंदर और यहाँ पर आया, यहाँ पर आके उसने यूएई के अंदर अपना। क्या वजह कि वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा था, एक्सपीरियंस ज्यादा था या उसका? नहीं, जीरो एक्सपीरियंस था, उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। मतलब यूएई में गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की कैसी सपोर्ट? मुझे देखे ना, देखे अगर मैं अपनी कंट्री में हूँ, मैं यहाँ से कुछ सीख के इंडिया यूएई जाऊंगा ना आके, तो जो वो अपनी जो कंट्री में था ना उसको सीखने के लिए उन्होंने बहुत सी फैसिलिटियां दी यहाँ पे आके, उसको लैपटॉप दिया है, उसको प्लेटफॉर्म दिया है कि अब यहाँ सीखो, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। लैपटॉप तो यहाँ पे भी शुभाष साहब भी देते रहे, वो किसके ना सजा दे रहे हैं। एक मिनट, उसमें भी एक सवाल है, करप्शन कितनी हुई है? ये चीज वो तो ठीक है, देखिए एक चीज और है, करप्शन मेरे ख्याल से इंडिया में भी होती है। देखिए कोई इंडिया में करप्शन पूरे दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें करप्शन नहीं होती हो, लेकिन क्या है वो अगर करप्शन कर रहे हैं तो वो साथ चला भी रहे हैं मुल्क, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ करप्शन करना है, इधर लग जाता है मरियम नवाज टैक्स, इधर लग जाता है उसके दो बेटों का टैक्स हर साल, अब देखें बिल कितने ज्यादा आ रहे हैं, वो इनके पूरे खानदान के टैक्स लगे हैं। वहाँ पे आपको मजे की बात बता दूं, शायद आपको पता भी हो कि वहाँ पे 500 यूनिट तक फ्री या 500 कहीं पे 300 तक बिल्कुल फ्री है, और यूएई के अंदर आपकी सैलरी पे टैक्स भी नहीं कटता। ये है बात आपको हमारी तरह, हमारा या उनका, अगर आप वहाँ जाके पैसे कमा रहे हैं ना, अगर आपकी 10,000 दिरहम में सैलरी है ना, तो यूएई गवर्नमेंट आप टैक्स कोई नहीं लेगी, टैक्स नहीं काटती, लेकिन यहाँ पे टैक्स एक दफा सैलरी पे कटता है, उसके बाद जब हम कोई चीज लेने जाते हैं उसमें भी टैक्स कटता है। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ईयर आपको पता होगा कि कितने टैक्स बढ़े हैं। सर यकीन करें कि अपनी जो शॉप है मेरी, उसमें से मैंने इतना कमाया नहीं जितना मैंने बिल दे दिए। आप ये देख लें कि लास्ट ईयर जो रेशियो निकला ना स्टूडेंट्स का, वो 7.2 मिलियन था, जो कि जिन्होंने यहाँ से पढ़ के और बाहर गए हैं जॉब के लिए। 7.5 लाख भी चले हैं, कितनी बात दी है आपकी, ठीक है। और जब स्टूडेंट बाहर चल जाएंगे, यानी एजुकेटेड जो तबका है, जो हमारी यूथ है, वो बाहर चल जाएगी, कंट्री को कौन चलाएगा? ये चलाएंगे जो लूटने वाले, तो दो नंबर बंदों के हाथ मुल्क जाएगा तो मुल्क का दिवालिया होना ही होना। अब आप देखे ना यहाँ पर जो पार्टीज बनी हुई है, वो कहता है जरदारी ठीक है, वो कहता है इमरान खान ठीक है, वो कहता है नून लीग ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी ठीक होता ना, तो वो इस टाइम मुल्क के बारे में सोचता, अपने बारे में सोचता। ठीक हो गया। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से उन्हें विजन मिला, अगर इंडिया वालों को विजन मिला कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है या दुनिया को बीट करना है, उनके पास ये विजन कैसे है और हमारे पास ये विजन क्यों नहीं आ रहा? आज भी पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, इस चक्कर में क्यों पड़े हैं? मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? आपका सवाल था, उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है कि जो उनका विजन इसलिए आया क्योंकि वो इस रोल में पड़ती नहीं है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस रोल में पड़ती नहीं है। उनको ये पता है कि गवर्नमेंट का काम क्या है, कि अपने मुल्क को कैसे डेवलप करना है उन्होंने। ये नहीं है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, उनके लिए बहुत बंदे बैठे हुए हैं, वो देखते रहेंगे आगे। हमारे जो मुल्क के अंदर हमें रिलीफ देना और 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जब IMF किस्त आती है 20 रुपये बढ़ा देते हैं, तो ये इस तरह का सीन जब चलता रहेगा तो फिर
आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर बात की जाए ऑनलाइन के हवाले से या फिर फ्री लॉन्सिंग के हवाले से, आप जैसे कह रहे हैं कि हम काम करते रहते हैं काम करते रहे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बाहर से हम, अगर मैं फ्री लॉन्सर हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है, तो बाहर से हमें अगर पैसे मंगवाने होते हैं वो ट्रांजेक्शन ही बड़ा इशू होता है, कोई ऐप ही टैक्स, टैक्स वो वही बात ना, टैक्स बड़ा कर देते हैं आपका 14% 20-21% के करीब हमारा, फ्री लॉन्सिंग के ऊपर 21% हो गया। पेपाल यहाँ पे नहीं है, दूसरी ऐप पेपाल यहाँ पे नहीं है, गूगल पे यहाँ पे नहीं है, एप्पल पे यहाँ पे नहीं है, जबकि इंडिया चल रहा है। Amazon अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है लॉन्च हुआ, अभी हुआ नहीं है आगे, और Amazon वहाँ चल रहा है ऑलरेडी, और वहाँ पे लोग एफबी करके। मैं आपको एक बात बताऊँ, तरक्की का रास किया, टॉपिक ही मेन ही है इंडिया। मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ, इंडिया जो है ना वो इस टाइम उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसे ही है हर चीज से वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ बिटकॉइन भी हराम, बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। जो बंदा सर हमारा वकार जका क्यों रोता चुप करके बैठ गया, बाहर चला गया, वो कहता था कि जितना पाकिस्तान में पैसा ना वो सारा इंडिया जा रहा है पैसा। अच्छा, वो कैसे? आप देखें, आप उसका इंटरव्यू सुने, वो ऐसे जा रहा है कि वहाँ पर लोग प्रमोट कर रहे हैं ई मनी को, यानी यो यहाँ पे आ सकता है वो वहाँ। सारा पाकिस्तान पैसा आना था, हाँ। जो हमने प्रमोट करना था वकार जका इसलिए लगा हुआ डिजिटल करेंसी की। और आपको मजे की बात, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है, हमारे यहाँ पे तो इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी बैन है ना, उनकी अपनी डिजिटल करेंसी है, ठीक है। कैसे सोच बदलेगी मेरे जैसे पब्लिक की, हमारी गवर्नमेंट की सोच कैसे? अच्छा, इसमें बात है, पाकिस्तान में आप जैसे कर रहे हैं ये, अगर पाकिस्तानियों के अंदर हूटिंग बंद हो जाए ना, और दो तीन चीजें हो रहा है मुझे, मैं कैमरे के अंदर नहीं बयान कर सकता, ये दो तीन चीजें और एक हूटिंग बंद हो जाए, पाकिस्तान भी आपका तरक्की करना शुरू कर जाएगा। अब ये ना, ये दूसरी चीज ये जो आपने बोला, जैसे हम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, इस तरीके से आपको ये बता दूं कि इतना आप जैसे बोल रहे हैं कि तारीफ ही है ना, देखिए भाई वो बेहतर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको कोई सुनने वाला अभी तक ये सोचा कि वो शायद ये कह देगा कि भाई ये क्यों तारीफ कर रहे हैं इंडिया की? और भाई ये इंडिया की तारीफ हम अगर करें, वो इंडिया की तारीफ करें बुराई करें, इस टाइम उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम बिल्कुल इंडिया तारीफ के काबिल है, नहीं लेट्स बोल में बुराई, आप इधर बुराई कर दे, उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? हमें फर्क पड़ रहा है कि भाई सीख लो, अभी भी टाइम है, सीख लो। क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी में आए ये, अगर तो यहाँ पर आप एजुकेशन लेते हैं ना, तो बेहतर यही है कि अगर आप वो 16 साल 14 साल पढ़ते हैं ना, साथ साथ अपना आप कोई स्किल सीखें, आगे स्किल सीखें। बिल्कुल, आप कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? सर मैं कहना ये चाहूंगा कि कैसे सीख सकते हैं हम, छोटी सी बात है, मैं खुद एक बास्केटबॉल प्लेयर था, ठीक है, कुछ ऐसी हरकतें बीच में ऐसी हुई हैं जिससे दिल उठ गया, मैंने बास्केटबॉल को वैसे ही खत्म कर दिया, क्योंकि प्रमोट ही नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। अगर आगे जा रहे थे तो सर जी आपको पता है रिश्वत, पैसे चाहिए। और वहाँ पे स्पोर्ट्स को या फिर स्पोर्ट्समैन को कितना सपोर्ट किया जाता है, आपको आईडिया? कुछ भी नहीं, इंडिया में बहुत सपोर्ट किया जाता है, हर चीज को सपोर्ट किया जाता है इंडिया में, पाकिस्तान में एट द एंड फायदा किसको होता है, वो स्पोर्ट्समैन को होता है या फिर इंडिया को होता है, ये बताएं। मेरे ख्याल से वो तो आगे, क्योंकि देखे ना टेक्निकली देखे, वो गवर्नमेंट सपोर्ट क्यों करे ताकि इंडिया का नाम रोशन हो, और बंदा सपोर्ट क्यों मांगे ताकि इंडिया का नाम रोशन सके जाके। तो अगर ये सपोर्ट, अब आप देखे इतने बॉडी बिल्डर यहाँ से गए हैं, जब वापस आए उनके बिजली के मीटर कटे हुए थे, आप साफ लगा लें, ऑनलाइन होता रहा बंदा आगे, वो ठीक है। खैर, हमें चाहिए कि हम कहीं ना कहीं जहां अपनी गवर्नमेंट को काफी हद तक क्रिटिसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं रोटी कपड़ा मकान के मीडिया पर हमेशा हम ये देखते हैं, हमें एजुकेशनल वे में भी बात करनी चाहिए। क्या ये जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है ना, ये बेसिकली उनका काम है, उनकी ड्यूटी है ये कि वो प्रमोट करें आके, उनका उनको बेसिकली जो एक जो स्पोर्ट दिए गए ना आगे, उसका मेन रोल यही है। लेकिन उसमें एक मसला है ना, फिर वो पाकिस्तान की पब्लिक को पता चल जाएगा कि दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, फिर पाकिस्तान की पब्लिक सवाल करेगी, अपना हक मांगेगी, तो फिर इसका इसका एक छोटा सा यही है, मैं अभी आपके साथ आपकी जो चैनल उस पर कहना चाहूंगा आके, कि इसका सिंपल हल यही है कि जितने भी वजीर है ना, जितने भी आपके हुक्मरान है, जितने भी मतलब जो अहदे बैठे हुए हैं, उन सब के बच्चे ला के ना आप गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें, तो फिर आप देखिए वो गवर्नमेंट स्कूल कैसे बनते हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो लाए, और आपकी मेहरबानी है पाकिस्तान से जाओ, वो पाकिस्तान से आप जाए, ठीक हो गया, और फिर आएंगे कौन, चलाएगा कौन, हम चलाएंगे, आप चलाएंगे। सर मैं तो ये कहूंगा, जॉनसन ने मौका दिया जाए आके, जो पढ़ी लिखी है इस बात को समझती है, ये नहीं कि विरासत में मिलेगी और आगे बैठ के वहाँ पर उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन यूथ बाहर जा रही है, आपने बोला क्यों जा रही है, ये भी देखे ना आप, क्यों जब उसे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं आगे। अब एक बंदा वो यहाँ 18,000-20,000 कमा रहा है, और वो डिग्री उसकी बीएससी एमएससी ग्रेजुएट करके 18,000 कमा, ठीक है, आप 30,000 लगा लें, वहाँ जाओगे दिन का 20,000 कमा रहे, आप रुकेंगे यहाँ पर आके? बिल्कुल सर, पिछले 30 साल से हुकूमत कर रही है नून लीग, 30 साल से इनके खानदान
नून लीग हैं, जिनके अपने बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो किस लिहाज से पाकिस्तानी का ट्रीटमेंट करवाना हो तो वो भी बाहर जाना सर। ट्रीटमेंट क्या क्या उसका नाम है, छोटे के साथ बड़ा जो उसके लिए बाहर जाना है ऑपरेशन के लिए, तो वो बड़ा। अब ये आप लोगों के चाहे इमरान खान को कहते हैं कि इसने बहुत महंगाई कर दी। सर इमरान खान की हुकूमत हुई कब है, 2-2.5 साल तो उसको कोरोना के बीच में रहा, ठीक है, मुल्क को उसने संभाला है और बहुत अच्छा संभाला तो पूरी दुनिया में, देखे ना पूरी दुनिया का हाल भी क्या हुआ है पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनके लिए ये कहा जाता है, नो डाउट के बहुत से फैन फॉलोइंग है उनकी, बहुत से वोटर हैं उनके, लेकिन ये कहा जाता है इंटरनेशनल मीडिया पे कि जितना कर्जा इमरान खान साहब ने लिया अपने दौर में उतना। सर कर्जा लिया किसके लिए है, इनके कर्जे उतारने के लिए लिया है तो उतर गया, हुकूमत पूरी हुई इनकी। सर मैं इसकी बात से बिल्कुल भी ग्री नहीं करता आगे, ठीक है, मैं ना नवाज शरीफ ना इमरान खान, अगर इस टाइम देखिए बात हो रही पाकिस्तान की, किसी के साथ नहीं ये इस टाइम बात हो रही पाकिस्तान की, ठीक है ना, अगर इन दोनों में से, ठीक है 1000 फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों होंगे इमरान खान के, लाखों करोड़ नवाज शरीफ के होंगे, इस टाइम अगर इन दोनों को ऐसा होता ना तो ये पाकिस्तान के बारे में सोचते, सीट के बारे में सोचते। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन बात का निचोड़ यही है कि कहीं ना कहीं हमारी मीडिया पर सिर्फ दिखाई जाती है सियासत, कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है नून लीग ने चोरी कर ली, कहीं पीटीआई ने चोरी कर दी, कहीं फिर या फिर पीपल पार्टी ने चोरी कर दी, एजुकेशन की बात टेक्नोलॉजी की बात हमारे यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलती है। ये आप जैसे भाई है जो स्टेप फॉरवर्ड करते हैं इस चीज के ऊपर आके और इस चीज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क हियर। लेकिन अब आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों ने, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है और इसके आगे तो बड़े बड़े नहीं बोलते, अब ये आपका काम है कि आपने लोगों के अंदर इस तरह टॉपिक से अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जिले हुसैन। क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट किस डिपार्टमेंट में, किस डिग्री? मैं केमिस्ट्री में, बीएस ऑनर्स इन केमिस्ट्री किया हुआ है, फिर मेरा कंटिन्यू है। जबरदस्त, फिर तो आपको नासा का भी पता होगा। जी जी मुझे नासा का बिल्कुल पता है। चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अभी एक इंडियन ओरिजिन बना है। जी जी। और मेरा यही वीडियो का टॉपिक है कि क्या वजह है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, आईटी की कंपनीज की बात करें, टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें, बहुत तेजी से इंडियन या इंडियन ओरिजिन आ रहे हैं और हमारे यहाँ पे नहीं, क्या वजह है उनके वहाँ? सर इसकी एक वजह ये है कि मतलब जो हमारी सियासत, ये सारी चीजें नजर होगी हमारी सियासत के, अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चली हुई है, कोई मतलब जो है वो एक पार्टी अगर आती है तो वो अपना टेन्योर नहीं मुकम्मल कर पाती, कोई भी पीएम आप देख लें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में चेक कर लें, 1947 से लेके यानी 1947 से लेके कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा जिसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया हो। होता क्या है कि अपोजिशन वाले उसको नहीं पूरा करने देते, ठीक है, जो भी पार्टी में आता है कभी कभी जो है वो पीपीपी आ रही है, कभी जनाब नून लीग आ रही है, यानी वो एक्सचेंज कर रहे हैं और असल जो है ना वो काम पे वो बात नहीं करते, मतलब कोई प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट कोई भी है किसी भी पार्टी की है, जिसके ऊपर शायद कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए नेशन, उनमें सबसे मेन चीज एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के। जी जी जी, हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता। हाँ जी, उस चीज में अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में दो चीजों की कमी है, एक एजुकेशन और एक सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम दोनों ही, एजुकेशन सिस्टम पूरा ही हमारा बकवास हुआ पड़ा है। यानी अगर हम बात करें तो एक तो इसका जो बजट आप देखें, एजुकेशन का बजट सबसे कम है, अभी जो अभी आप देख रहे हैं जो 2023 का बजट पेश हुआ है जो हमारे मुफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया मेरे ख्याल में नून लीग हुकूमत में, तो अगर हम बात करें तो वो बजट आप चेक कर लें, वो बजट कितना है, इतना बजट 23 रुपए 24 रुपए पर पर्सन वो आ रहे हैं आपका बजट, तो जब आप इतना बजट का इतना कम बजट रखेंगे तो आपके मुल्क के अंदर जहाज और ये शही और इस तरह के पैदा लड़के बच्चे पैदा होंगे और वो मतलब होगी हो टेक्नोलॉजी पे कोई बात नहीं हो रही, प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है, कोई हमारे अंदर जो हमारे मुल्क के में आप कह लेंगे आपका नेबरिंग नेबर कंट्री जो इंडिया है वो आईटी में कितना आप चेक करें, उसका गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है, ठीक हो गया, उसका जो आईटी मतलब आईटी में कितना वो फास्ट जा रहे हैं, ट्विटर का सीईओ, ट्विटर का सीईओ इंडियन है, उसके बाद गूगल की बात की, बिल्कुल बिल्कुल पे पाकिस्तानी भी काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी, लेकिन सीईओ नहीं कभी काम है, कम है, आप चेक करें कोई भी, आप ट्विटर की बात कर रहे हैं, आईटी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बंदे आगे हैं, वो क्यों आगे, क्योंकि वो वहाँ पे एजुकेशन है, ठीक है, वो एक बड़ा कंट्री है, आप कह रहे दुनिया का दूसरे नंबर पे आबादी के लिहाज से, बट बात ये है कि उनकी प्रोग्रेस भी है, वो एक डेवलपिंग कंट्री में आ रहा है, हम जो है वो डेवलप्ड कंट्री में, सॉरी है, हम डेवलपिंग है, हम चेक कर ले आप, मैं एक ही बात एंड पे बोलता हूँ, बात ये है कि हमारी सारी चीजें सियासत की नजर हो रही है, मतलब ये है कि उनकी सियासत तो वहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, लेकिन आप डेमोक्रेसी की बात सुन रहे हैं, डेमोक्रेसी जो होती है ना वो लिटरल बंदों के लिए होती है, आपका लिटरेसी रेट जनाब 60 से कम है, आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी, एजुकेशन सिस्टम है और लिटरेसी, सुने सुने
बात ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो 60 आपके मुताबिक है, वर्ल्ड लेवल पे 60 कोई नहीं है, वो 30 से भी कम है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे आप चेक करें तो वो आपके मुताबिक जो आप कह रहे हैं हमारे मुल्क में जो रेट है ना लिटरेसी रेट, वो ऐसे मेजर करते हैं कि जो अपना नाम लिखना जानता है वो पढ़ा लिखा है, बट दिस इज रॉन्ग भाई। बात ये है कि लोग जो है ना जितनी भी कौम है जिन्होंने तरक्की की है वो उन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया है, आपकी एजुकेशन फ्लॉप है, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई स्किल्ड बेस्ड नॉलेज नहीं है, कोई स्किल्ड बेस्ड प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं सिखाई जा रही। उसके बाद बात यह कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई नहीं सिखाई जा रही। उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इंप्लॉयमेंट्स कोई नहीं दे रही, गवर्नमेंट जो है ना वो खुद स्टेबल नहीं हो रही। इशू ये आप देखें, आप चेक करें, आप चेक करें आए दिन यहाँ पे जो यहाँ कभी आपकी सूबाई असम्बलियाँ टूट गई हैं, कभी आपकी कौमी असम्बलियाँ जो है टूट गई हैं, कभी वो चोर है, कभी वो चोर है। अब बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। बंदा ये कि तू चोर है उसको कह दिया अभी चोर, हर बंदा उसको चोर चोर बोली जा रहा है। यार मैं मेरा किसी पार्टी से कोई तअल्लुक नहीं है, आई एम न्यूट्रल। तो बात करने का मकसद ये है मैं न्यूट्रल हूँ। इमरान खान साहब कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। मेरे कहने का मतलब मैं ए पॉलिटिकल हूँ, ए पॉलिटिकल होना मेरा राइट है। मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, बॉस मेरी बात सुने, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ जनाब नून लीग को भी, मैं पीटीआई को भी करता हूँ, मैं जनाब पीपल पार्टी को भी, उनके जो अच्छे काम है सबको जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ। इंडिया की बात करें वहाँ पे आबादी है ऑलमोस्ट 1 अरब 35 करोड़, यहाँ पे तकरीबन आबादी है 25 करोड़। वो अपनी इतनी बड़ी आबादी को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम 25 करोड़ को नहीं एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे, ये कहाँ पे? हाँ टेक्नोलॉजी की कमी है बस। बहुत सुने जरा बात ये कि आप चेक करें, मैं स्टूडेंट हूँ भाई, मैंने केमिस्ट्री का कोई लेक्चर सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपेटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएसएस कर रहा हूँ, पीएमएस, मैंने अगर कोई करंट अफेयर्स पे कोई क्वेश्चन उठाना तो मैं उनके चैनल पर जाता हूँ भाई, मैं यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, हाँ जी इंडियन आईएएस चैनल है, उनके कई और चैनल यूपीएससी के वो तैयारी करवा रहे हैं। अब मसला है कि हम पाकिस्तान में रहें, हमारे कोई इतनी वो एडवांसमेंट नहीं है ना, हमारे अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी हर है यूज़ कोई नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके लिए भाई जान चाहिए डेडिकेशन। आपके टीचर बड़े माशाल्लाह लेवल के टीचर यहाँ पे मौजूद है, बट दे डोंट नो हाउ टू टीच, यू नो हाउ टू टीच इन सोशल मीडिया, हाउ टू टीच एट यू कैन से हाउ टू यूज इवन जूम, दे डोंट नो हाउ टू जूम, हाउ टू यूज जूम, जूम पे क्लासेस पढ़ाने नहीं आ रही, मीट पे से लेक्चर देना नहीं आ रहा। मेरे भाई उसकी रीजन ये है कि ट्रेंड नहीं बनाया जा रहा, वहाँ पे ट्रेंड बन चुका है कि हमने आईटी में आके जाना है, हमने टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ट्रेंड ही नहीं आ रहा कि यार हमने एजुकेशन में आके जाना है। यहाँ पे कोई एक यूट्यूब चैनल बता दें, कोई मेन सोशल मीडिया बता दें, आप तो पीपीएससी की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, कोई चैनल बताएं कि जो पाकिस्तान का वहाँ पे बड़ी तादाद में स्टूडेंट जाते हैं तैयारी के लिए। अच्छा मैं ना पता बात क्या है, लोगों के इंटरेस्ट की भी बात होती है। असल में हम भाईजान वो कौम है, हम वो लोग हैं जो हम ये मेरा दिल ये पुकारे पे आ जा, इस पे हम जो वो सुने जा रहे हैं उसको मतलब क्या कह रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, हम सपोर्ट कर रहे हैं पारी हो रही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं जनाब ये फजूल सी बातें लाहौर दा पावा अख्तर लावा। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी जो है ना वो हम कह लें कि हमारे अंदर शऊर कोई नहीं है, शऊर किसने करना है, हम नहीं करना, इवन बिकॉज कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन यूथ नहीं करना, बट हम प्लेटफॉर्म डिफरेंट यूज नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म देने हैं, क्या प्लेटफॉर्म ने गवर्नमेंट ने देने हैं। आप बात सुने, आप एंटरप्रेन्योरशिप दें, आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोड्यूस करें यूथ के अंदर, उसके लिए सर पैसा चाहिए। अब एमफिल बंदे पीएचडी बंदे जनाब फिर रहे हैं विले जो है ना वो, उनके पास कोई जॉब नहीं है। मैं लास्ट टाइम सर्च पढ़ रहा था एचईसी की सर्च के मुताबिक, एचईसी के जो मेरे ख्याल में 10,000 पीएचडी जो है वो विले फर्क बैठे हुए हैं, पीएचडी फर्क जनाब बिल्कुल। एक पीएचडी इकोनॉमिस्ट बंदे की रिसर्च है कि जो आप इकोनॉमी की बात चेक सुन ले जरा, मुझे जो है वो क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस कहाँ पे आ रही है और पैसे कमा कौन रहा है। एक डेली वेजेस वाला जो दिहाड़ीदार वेंडर है ना जनाब, उसकी जो आमदनी है, उसकी जो इनकम है, वो एक पीएचडी बंदे से 10 गुना ज्यादा है। ये पीएचडी जो है ना इकोनॉमिस्ट वो बंदा है पूरा पीएचडी, ये उसकी ये सर्च है। तो आप देख लें मतलब जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, आप अल्लाह करे, मेरी आपसे मेरी दुआ है कि आप अपना जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वो अब तक क्लियर कर जाते हैं, ठीक है। मैं भी शायद तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है, लेकिन आप अगर क्लियर कर जाते हैं तो आप क्या करेंगे पाकिस्तान की चेंज लाने के लिए, पाकिस्तान की यूथ में टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के लिए, और दूसरे नंबर पे जो दूसरे कंट्री आगे बढ़े उनके साथ रिलेशन बेहतर करने के लिए एक ब्यूरोक्रेट फ्यूचर का क्या करेगा? ये बात
बात सर ये है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना दूसरी कंट्रीज के साथ, जो हमारे नेबर कंट्री, बिकॉज नेबर कंट्रीज उनसे हमारे स्ट्रेटजिक रिलेशंस है, हम उनसे बॉर्डर शेयर करते हैं अपना, और बॉर्डर शेयर करते तो हमें चाहिए, हमें मतलब कि वो सिक्योरिटी का भी मसला होता है, हमें इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो बात यह कि इन चीज़ों पर बात की जाएगी, इंटरनल सिक्योरिटी को बेटर किस तरह करना है, इकोनॉमी को बूस्ट किस तरह हमने करना है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी किस तरीके से है, ये पॉलिसी बात सुने। सिंपल हाल इसका यह कि एजुकेशन, आप डेमोक्रेसी की बात आपने की है, डेमोक्रेसी क्या मतलब होता है, मतलब कि इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच तब आएगी, ह्यूमन राइट है। हेनरी किसिंजर या कार्ल मार्क्स की कोटेशन है, वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो मैं करता हूँ, जरा सुनिएगा, हमारे लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को बंद कर दें, मतलब ऑफ कर दें, बाय द पीपल, लोगों को खरीद लें, उसके बाद फॉर द पीपल, लोगों से दूर रहें। तो बात ये मैं एंड इस पे कर रहा हूँ कि हमने उसको डेस्कोर को जो है ना उल्ट कर दिया है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू मी है। ठीक है, अच्छा लगा इनसे बात करके, जब ऐसे जो लोग हैं खासतौर पे ऐसे पढ़े लिखे यूथ जब इनसे बात करते हैं तो बड़ी मोटिवेशन भी मिलती है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है अगर ऐसे लोग आगे आए, ऐसी यूथ आगे आए। अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई, और अगर इस हवाले से पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि जहां वो आए दिन सियासी तौर पर एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं, अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया पर हमेशा सियासत डिस्कस की जाती है, तो हम एजुकेशन को भी प्रमोट करें, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करें, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो ही हम किसी भी फील्ड में जाकर दुनिया में अपना नाम, पाकिस्तान का नाम बना सकेंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।